हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्राइटेरिया का यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसमें हम जो लेस देन और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन जो साइन होता है उसका यूज़ करके देखेंगे। और ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे और जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन पर। तो ये क्वेरी डिज़ाइन पर आ गए और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा टेबल वन शो टेबल नाम का एक जो ये बॉक्स है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो ये टेबल यहाँ पर आ जाएगी और इन सब को हमें लेना है तो इन सब को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये आईडी हो गई, नंबर वन हो गया और नंबर टू हो गया। अब यहाँ पर हमको क्राइटेरिया यूज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन क्राइटेरिया यूज कर रहा हूँ। ये देखिए ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नंबर 20 से ग्रेटर हो वो आ जाए इसमें, ठीक है। और जो नंबर टू वाला टेबल है उसमें क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो भी नंबर 10 से लेस है वो आ जाए, ठीक है। तो अब यहां से हमको रन पे क्लिक करना है। ये जो रन दिखाई पड़ रहा है यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर देख सकते हैं जो भी नंबर जो भी क्राइटेरिया हमने दिया था उसी के अकॉर्डिंग ये आ चुका है। यहां पर देखिए मैं आपको फिर दिखाता हूं क्राइटेरिया, हमने क्या क्या क्राइटेरिया दिया था। यहां पर हमने दिया है ग्रेटर देन 20 और यहां पर दिया है लेस देन 10। तो ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 10 के हिसाब से ये आ गया। ग्रेटर देन 20 ये सारे 20 से ग्रेटर हैं और ये लेस देन 10 है यानी 10 से लेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।